नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है खबर है कि पाकिस्तान जो है ईरान से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदने की बात कर रहा है पाकिस्तान के अंदर मूलभूत सुविधाओं का अभाव वर्तमान में हो गया है पूरी दुनिया के कर्जे के तले ये दबा हुआ है अब ये अगर तेल खरीदना चाहे तो खरीदे हमको क्या मतलब हम इस सेशन को क्यों आपके सामने साझा करने के लिए आज आए हैं तो आज इस सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान की वर्तमान में क्या स्थिति है अमेरिका के खिलाफ जो है पाकिस्तान ऐसा कदम क्यों उठाने जा रहा है इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लेने वाला है ये खतरों का खिलाड़ी क्यों बनने वाला है पाकिस्तान क्यों ये कोशिश कर रहा है और अमेरिका को ईरान से और पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम हो सकती है यदि पाकिस्तान ईरान से तेल खरीदता है तो क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर लगा रहे हैं लगा रखे हैं प्रतिबंध और एक और देश का यहाँ जिक्र किया जाएगा वो है सऊदी अरब सऊदी अरब जो है पाकिस्तान जब भी कर्जे की जरूरत होती है तो सऊदी अरब के पास ही चला जाता है और सऊदी अरब जैसे कुत्ते को रोटी डाल दी जाती है उसी तरह से कुछ ना कुछ बोटी वगैरह डालकर पाकिस्तान को सऊदी अरब के द्वारा शांत कर दिया जाता है और सऊदी अरब और ईरान जो है एक दूसरे के दुश्मन हैं क्यों इनका कारण है कि ईरान जो है वो सियाह मुस्लिमों का बहुल छे देश है ईरान में जो है सियाह मुस्लिम रहते हैं बहुल्य में और पाकिस्तान के अंदर जो है सुन्नी मुसलमान ज़्यादा रहते हैं पाकिस्तान के अंदर सियाह मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं और जो मुस्लिम जगत के अंदर जो सबसे बड़ी विवाद की जड़ है इनके बीच में वो सिया सुन्नी विवाद ही है और इन सभी देशों के बीच में गुट बने हुए हैं कुछ देश जो हैं वो सियाह समर्थित है और कुछ देश जो हैं वो सुन्नी समर्थित है तो इस मामले को पूरे को समझने का को कोशिश करते हैं बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सब्सक्राइब का बटन दबाकर औपचारिकताएँ पूरी करना बिल्कुल ना भूलें पाकिस्तान प्लान्स टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान थिंगस ऑफ वे टू अवॉइड सेंक्शन अब यहाँ एक बात आई वो है सेंक्शन सेंशन कौन से एक एक्ट होता है अमेरिका के द्वारा यानी कि यू एस के द्वारा यूएस के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया है अपने संसद के अंदर जिसको बोला जाता है सी ए ए टी एस ए काटसा काटसा इसको बोला जाता है इसकी फुलफॉर्म होती है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड Sanctions एक्ट ट्रेड के यानी कि व्यापार से संबंधित किसी देश के ऊपर sanctions थोप दिए जाते हैं ईरान के ऊपर एक समय पर सबसे ज़्यादा sanctions हुआ करते थे इस पूरी दुनिया के अंदर कब तक इसके ऊपर सबसे ज़्यादा sanctions थे जब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू नहीं हुआ था रसिया यूक्रेन वॉर के जस्ट बाद ही रसिया के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंक्शन्स हो गए और ईरान आ गया दूसरे नंबर पर तो ईरान के ऊपर से प्रतिबंध कोई कम नहीं हुए हैं बल्कि रशिया के ऊपर और ज़्यादा प्रतिबंध थोप दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में रसिया तो अपना एक्सपोर्ट कर लेता है सस्ते दामों पर और तेल को बेचकर रसिया अपनी इकोनॉमी को कही न कहीं ना कहीं बचाए हुए हैं लेकिन ईरान के ऊपर इतने बड़े प्रतिबंध हैं तो कोई और देश जो है वो ईरान से व्यापार नहीं करना चाहता है और वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो ईरान जो है इतने सस्ते दामों पर किसी भी पूरी दुनिया में किसी को भी अपना तेल पहुँचा सकता है कि रसिया से भी आधे दामों के अंदर वो अपना तेल जो है देने को तैयार है कोई उसे तेल खरीदे तो सही लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के डर से कोई भी देश ईरान से तेल खरीदने को तैयार नहीं है भारत का जो व्यापार होता था ईरान से काफ़ी अच्छा व्यापार होता था हम ईरान से ही तेल खरीदते थे लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद से हमने जो है ईरान से अपने संबंध जो है विच्छेद कर दिए हैं और अब हम ईरान से तेल नहीं खरीदते हैं हालांकि रूस से हम तेल खरीद रहे हैं और पाकिस्तान भी भारत की ही होड़ करना चाहता है भारत के ही पीछे चलना चाहता है कि यदि भारत तो पूरी दुनिया के अंदर जो प्रतिबंधित देश हैं उनसे व्यापार करने में सफल हो जाता है तो पाकिस्तान भी सफल हो सकता है ऐसा मानना इनका है लेकिन इनके यहाँ पर विदेश मंत्री इतने निचले स्तर के हैं मंत्री या सरकार इतने निचले स्तर की है लगातार हम अपने सेशंस में जिक्र करते रहते हैं अगर आप वीडियो सेशंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं हमसे तो आपको ये सारी बातें पता होंगी हालांकि चर्चा करते हैं इस खबर की कि पाकिस्तान प्लान्स टू बाई ऑयल फ्रॉम ईरान थिंकर्स थिंग्स ऑफ वे अवॉइड सेंक्शन सेंक्शन से बचने के लिए भी ये तैयारी कर रहा है लेकिन साथ में सोच रहा है कि ईरान से ये तेल खरीदे ये हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिनका नाम है शहवाज शरीफ जो कि पूरी दुनिया के अंदर फिलहाल घूम रहे हैं पाकिस्तान प्लास टू वॉय ऑयल एंड गैस ऑयल तेल और गैस जो है ईरान से खरीदना चाहता है वट वॉन्ट्स टू डू इट इन सच अ वे टू एस्केप सेंसन मतलब अमेरिका के द्वारा जो तो सेंक्शन लगाए जाते हैं उनसे बचने के लिए ये चाहता है देयर इज़ अ जनरल व्यू इन पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक जनरल व्यू है सरकार का कि दैट इफ़ दे कैन ट्रेड ऑयल एंड गैस फ्रॉम रसिया अनदर यू एस सेंक्शंस कंट्री के एक देश रसिया है जिसके ऊपर अमेरिका के सेंक्शंस लगे हुए हैं उससे यदि व्यापार वो लोग कर सकते हैं या फिर इंडिया या पाकिस्तान उससे व्यापार कर सकता है या देश के अन्य जो मतलब दुनिया के जो अन्य देश हैं वो रूस से अपना तेल खरीद सकते हैं तो पाकिस्तान जो है क्यों नहीं खरीद सकता कि यदि ईरान से पाकिस्तान तेल खरीद लेगा तो उसका क्या ही नुकसान हो जाएगा हालांकि ये जो है अमेरिका का टॉप जो चिड़ने वाला देश है ना ईरान के ऊपर अमेरिका ने टॉप के सेंसर लगा रखे हैं इससे बहुत बड़ी समस्या में पाकिस्तान फंस सकता है इसकी आज हम चर्चा आगे करेंगे ईरान इज ऑल्सो ऑफरिंग अ बेटर डील फॉर ऑयल सप्लाई ईरान हैज़ इवन ऑफर्ड व्हीट मीट एंड राइस पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों खरीदना चाहता है क्योंकि ये जो देश है ना दुनिया के और किसी देश से यदि आप ऑयल खरीदते हैं तो आपको पैसा उसको देना होगा लेकिन ईरान यहाँ तक तैयार है इनसे डील करने के लिए कि आप बदले में हमें पैसा मत दीजिए बदले में आप हमें जो जरूरी वस्तुएं हैं जैसे कि व्हीट यानी कि गेहूं, मीट आप दे दीजिए राइस दे दीजिए ये सारी चीज़ें पेमेंट के बदले में आप दे सकते हैं और इन्हीं के मतलब इतने सस्ते दामों पर तेल देने के लिए तैयार है कि ईरान की जरूरत की चीज़ें उसको मिल जाएं और सेंक्शंस क्यों लगे हुए हैं इनके ऊपर क्योंकि ईरान जो है वर्तमान में कर रहा है अपने न्यूक्लियर परीक्षण इसके जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल कॉल्स ऑन प्रेसिडेंट रईसी ड्यूरिंग ईरान ट्रिप बात है चौदह जून 2022 की जब ये गए थे चौदह जून को बिलावल ने तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की थी जो कि तेल के संबंध में ही थी ईरान ऑफर्स पाकिस्तान टू बाई ऑयल इलेक्ट्रिसिटी गैस एट चीप रेट बहुत सस्ते दामों पर ईरान ने ऑफर किया है कि पाकिस्तान हमसे तेल खरीद ले अगली खबर आती है कि पाकिस्तान प्लांस टू सरकमवेट यू एस सेंक्शन बाई बाइंग ईरानियन ऑयल की जो यू के सेंक्शंस हैं उनको काउंटर करना चाहता है पाकिस्तान तेल खरीदने के बाद पाकिस्तान इज कीन ऑन अपसेटिंग द यू एस एट दिस स्टेज ड्यू टू फाइनेंशियल पोजिशन इन द रीजन सब वर्तमान में क्या हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान जो है वो अमेरिका पाकिस्तान की पूरी की पूरी सरकार अमेरिका के हाथों बिक चुकी है अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने तमाम आतंकवादी गतिविधियों जो थी उसमें अफगानिस्तान के जो ऑफिसियर्स हैं उनको मरवाने का काम किया था पाकिस्तान ने जो अल जवाहिरी मारा गया था अफगानिस्तान के अंदर वर्तमान में वो पाकिस्तान की ही निशानदेही पर अमेरिका ने मारा था तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान समझ चुका है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोदी में जाकर बैठा हुआ है पैसे के लिए ये देश कुछ भी कर सकता है तो अब अमेरिका ने उसके बदले में पाकिस्तान का थोड़ा सा सहयोग किया जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिए हुए एफ सोलह विमान हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह की थी इसका विरोध जो है भारत ने जताया था एफ सिक्सटीन और साथ ही साथ जो

अगर पाकिस्तान की सरकार ईरान से तेल लेती है तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को ईरान से तेल खरीदने मुश्किलों की अगर बात करें कि ईरान और सऊदी अरब के बीच कट्टर दुश्मनी है ईरान और सऊदी अरब जिसकी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सऊदी अरब से तमाम पैसे लेता है फॉरेन रिजर्व के अंदर जो पाकिस्तान के पैसा है उसमें से लगभग 40 परसेंट पैसा जो है वो इसी के द्वारा सऊदी अरब के द्वारा ही दिया हुआ है अगर पाकिस्तान इस फैक्ट को नजरअंदाज नजरअंदाज करते हुए ईरान से ऑयल डील करता है तो सऊदी उससे नाराज होगा और इसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा दूसरी बात ईरान के एटमी प्रोग्राम यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहा है ईरान का उसके चलते अमेरिका ने उस पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं पाकिस्तान फिर भी अगर वहाँ से तेल या गैस लेता है तो अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले राष्ट्रपति थे अमेरिका के उनके दौर में भी पाकिस्तान ने ऐसी कोशिश की थी लेकिन बाद में हाथ खींच लिए थे क्योंकि ट्रंप जो है बाइडन से कहीं ज़्यादा सख्त हुआ करते थे अमेरिका और सऊदी का खौफ पाकिस्तान को किस प्रकार से है तो गुलाबुल भट्टू जरदारी जो है छब्बीस मई को ईरान के विदेश मंत्री से मिले थे उस तेल खरीद की बात की थी इस्लामाबाद में मौजूद ईरान के एम्बेसडर अली हुसैन से भी इन्होंने जरदारी मतलब जरदारी ने बात की थी बोलो बिलावर भुट्टू जरदारी ने इस मामले में बात की थी बातचीत भले ही चल रही हो लेकिन पाकिस्तान डील साइन करने में डर रहा है इसकी वजह क्या है सऊदी अरब यूएई और अमेरिका दरअसल ये तीनों ही देश ईरान के दुश्मन हैं सऊदी और यूएई दोनों ही अमेरिका के डिफेंस पार्टनर हैं और ईरान के एटमी प्रोग्राम से बचने से बचने से सबसे ज़्यादा खतरा इन्हें है क्योंकि ईरान इनके पास में अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा तो इन दोनों देशों के पास बॉम्ब नहीं होगा तो इनका खतरा जो है बढ़ जाएगा ईरान अपने न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो उसका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर लगातार काम कर रहा है पाकिस्तान को डर है कि सऊदी और यू उससे उसे आर्थिक मदद देना बंद कर देंगे सऊदी और यू जो है पाकिस्तान को बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक मदद करते हैं वो इनकी बंद हो जाएगी इसके अलावा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान पर सख्त प्रतिबंध लगा देगा फिलहाल जो बाइडन से इनकी नजदीकियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं वो प्रतिबंधों का सामना इन्हें करना पड़ जाएगा इसका मतलब यह है कि ईरान से तेल खरीदने पर पाकिस्तान को नफा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है सहवाज सरकार कोशिश कर रही है कि ईरान से तेल डील करने से पहले अमेरिका के वो प्रतिबंध ना लगाने के लिए मनाया जाए अमेरिका को ये किसी प्रकार मना लें इस प्रकार की इनकी चर्चाएं चल रही हैं ईरान एंड सऊदी अरबिया बैटल फॉर सुप्रीमेसी इनके ईरान और सऊदी अरब के बीच में मुस्लिम जगत का लीडर बनने के लिए जंग चलती रहती है बात करते हैं ईरान के मैप की तो यहाँ आप ईरान का मैप देख सकते हैं और ईरान के मैप से ये जो छोटा सा पार्ट आप जुड़ा हुआ देख रहे हैं कुत्ते की पूंछ जैसा जो ये एरिया है ये है पाकिस्तान पाकिस्तान का जो प्रांत है इसको बोला जाता है बलूचिस्तान बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट होते हैं और जल्द ही जो है हो सकता है आने वाले समय में हमें देखने को मिले कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से टूटकर बिखर जाए ईरान अब यहाँ से इन दोनों के बॉर्डर जब मिलते हैं तो इसका फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान किस प्रकार से उठाना चाहता है तो यूएस ने जो है नए सैक्शन जो है न्यूक्लियर डील को लेकर इन पर लगा दिए हैं हैं पर लगते रहते की अगर बात करें तो देयर हैव बीन नंबर ऑफ अगेंस्ट ईरान इंपोज बाई नंबर ऑफ कंट्रीज तमाम देशों ने अमेरिका सहित यूरोपियन कंट्रीज ने और तमाम देशों ने ईरान के ऊपर सैक्शन लगा दिए हैं क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर डील है उस पर नहीं चाहता कोई देश कि ईरान एक न्यूक्लियर संपन्न राज्य बने यूएस सेंशन हेम ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन डील इनके बीच में जो हमने अभी बॉर्डर इनका देखा कि बॉर्डर ये साझा करते हैं एक दूसरे से तो इनके बीच में जो है एक पाइपलाइन की भी बात चल रही है यूएस सेंक्शन की वजह से वो पाकिस्तान की जो और ईरान के बीच में जो पाइपलाइन थी वो भी उसका भी काम रुक चुका है ये जो पाइपलाइन है इन दोनों के बीच में इसको बोला जाता है पीस पाइपलाइन या फिर आईपी गैस आईपी यानी कि ईरान और पाकिस्तान गैस ये यह यहाँ से लेकर जानी है पाकिस्तान के अंदर जे ये पाकिस्तान का मैप हम देख रहे हैं जो कुत्ते जैसा हमने देखा था ये एरिया इसका देखा था जो कि ईरान के साथ बॉर्डर साझा करता है तो इनके बीच में जो गैस पाइपलाइन होनी है ये जो गैस पाइपलाइन आप देख पा रहे हैं इसका काम वर्तमान में रुका हुआ है और पाकिस्तान चाहता है कि इस गैस पाइपलाइन के काम को भी दोबारा से जारी किया जाए ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज बैक ऑन द टेबल दोबारा से इसके ऊपर बातचीतें शुरू हो गई हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है काम ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार पाकिस्तान के मंत्रियों से बातचीत करते रहते हैं क्या पाकिस्तान को रूस से तेल नहीं मिलेगा आप चर्चा करते हैं कि जहां पूरी दुनिया और भारत रूस से सस्ता तेल खरीदने की बात कर रहा है तो पाकिस्तान रूस से तेल क्यों नहीं खरीद लेता है ये भी सवाल मन में आता है तो रूस ने जो है पाकिस्तान को तेल देने से मना ही कर दिया है असल में विस्तार को थोड़े जानते हैं इस साल फरवरी में पाकिस्तान सरकार रूस से भारत की तर्ज पर सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने की कोशिश कर रही थी फरवरी में हमने देखा था कि इमरान खान जो थे वो रूस में जाकर बैठ गए थे और जिस दिन वो रूस में गए थे उसी के अगले दिन रूस ने हमला कर दिया था यूक्रेन के ऊपर तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस वक्त इमरान खान उनकी बहुत ग्लोबल स्तर पर किरकिरी देखने को मिली थी तब इमरान खान प्रधानमंत्री थे अप्रैल में उनकी सरकार गिरी और उसके बाद शहवाज शरीफ जो है वो उस मामले को आगे बढ़ाने आ गए दोनों ही सरकारें मुल्क को गुमराह करती रही ये दोनों ही दोनों की दोनों सरकारें जो है ना अपने ही देश के नागरिकों को गुमराह करती रही झूठे में रखती रहीं रूस किसी भी सूरत में पाकिस्तान को डिस्काउंट पर क्रूड बेचने को तैयार नहीं था मान लीजिए अगर हो भी जाता तो खुद बिलावल भुट्टू ने पिछले हफ्ते माना है कि उनके देश में भारत की तरह हाईटेक रिफाइनरीज नहीं है अगर रसिया इनको सस्ता तेल दे भी देता है ना तो इंडिया के अंदर हम देखते हैं तमाम जगह रिफाइनरीज लगी हुई हैं मुंबई के अंदर लगी हुई हैं तमाम रिफाइनरीज मथुरा के अंदर रिफाइनरीज हैं तो वो उसमें क्या होता है कच्चा तेल आता है रिफाइनरी रिफाइनरीज के अंदर जो है डीजल पेट्रोल और जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको अलग अलग कर दिया जाता है केरोसिन वगैरह को और फिर जो है मार्केट के अंदर उतार दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास रिफाइनरीज इतनी हैं ही नहीं कि वो इस तेल को शोध करके शोधन करके तेल का बेच सकें ये बात मानी थी इसके बिलावल भुट्टो ने जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं उसने खुद जो क्रूड को पेट्रोल डीजल और केरोसिन में बदल सके ऐसी रिफाइनरीज इनके पास नहीं है पेट्रोलियम मिनिस्टर यहाँ के जो हैं उसके पिछले हफ्ते पिछले महीने वो रूस गए थे और मुल्क वापस आकर ऐलान कर दिया था कि रूस से भारत की तरह सस्ता क्रूड ऑयल मिलने जा रहा है जाहिर है पेट्रोलियम मिनिस्टर सफेद झूठ बोले थे अपने देश को किस तरह से गुमराह करते हैं तो ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये है इनका पेट्रोलियम मिनिस्टर जिसने रसिया से आने के बाद कहा था कि रसिया टू सेल डिस्काउंटेड क्रूड टू पाकिस्तान सेज पेट्रोलियम मिनिस्टर कि हमें भी जो है डिस्काउंटेड पेट्रोलियम मिल जाएगा लेकिन उसके बाद ही खबर मिलती

नहीं देगा इनको तेल तो रसिया और यूक्रेन का जो वर्तमान में युद्ध चला हुआ है तो अगर आप भाई रसिया के जो दुश्मन है यूक्रेन उसकी आप मदद करेंगे युद्ध के अंदर तो आपको रसिया कैसे दे देगा तेल ये सोचने वाली बात है हालांकि पाकिस्तान के अंदर इतनी मेंटल अपग्रेडेशन नहीं है उतना जो है बौद्धिक क्षमता इनके अंदर नहीं है कि इतनी बातें सोच सके पाकिस्तान टू सप्लाई आर्म्स टू यूक्रेन थ्रू फर्म्स इन ईस्टर्न यूरोप ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो फर्म है उनकी सहायता से पाकिस्तान ने यूरोप को अपने हथियार बेचे थे ऐसी खबर कर आई दिसंबर दो में इक्कीस दिसंबर दो की ये खबर है तब ये बात आई थी कि ये जो है भेजेगा अपने यहाँ से हथियार पाकिस्तान टू सप्लाई एमुनेशन टू यूक्रेन लाइकली टू गेट एम आई सत्रह चौपर अपग्रेड इन रिटर्न कि इसके बदले में क्या मिलेगा अगर ये भेजता है अपने आर्म्स यूक्रेन को तो जो इनके पास एम आई सत्रह हेलीकॉप्टर हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा यूक्रेन की द्वारा ऐसी बातें आई थी तो ये जो है भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है अगर हरामी पने के अंदर कोई अवार्ड होता तो पाकिस्तान शायद हर साल उसके अंदर टॉप करता पाकिस्तान इज एलिजली प्लानिंग टू डिस्पैच एम्यूनेशन ये जो है भेजने वाला है उसके बदले में इसे मिलने वाला है अपना जो एम आई सत्रह हेलीकॉप्टर है उनका अपग्रेडेशन इसकी हम चर्चा कर चुके हैं अपग्रेड इनका यूक्रेन युक, वादा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान इनको हथियार भेजता है तो इ, इनका हेलीकॉप्टर अपग्रेड हो जाएगा अब ईरान पर किस प्रकार की बातें चल रही हैं तो अल अरबिया एक न्यूज़ वेबसाइट है उसके मुताबिक ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर मिलती हैं पाकिस्तान को लगता है कि अगर ईरान से तेल खरीदा जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि एक तो बॉर्डर मिलती हैं और ऊपर से ईरान जो है सस्ता तेल देने के लिए तैयार है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हो जाएगा दूसरी बात यह है कि ईरान भी पाकिस्तान को तेल बेचने के लिए तैयार है ईरान सरकार ने पाकिस्तान को गेहूं मांस और चावल भी बेचने का प्रस्ताव रख दिया है कि आप गेहूं मांस और चावल के बदले में हमसे तेल ले लीजिए ईरान की मजबूरी यही है कि दुनिया के ज़्यादातर देश उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से नाराज़ हैं और अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से उसके साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं अब पाकिस्तान को लगता है कि वो ईरान की इसी मजबूरी का फायदा उठा सकता है लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका इनको अपनी इस मजबूरी का फायदा उठाने देगा पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध अगर लग जाते हैं तो पाकिस्तान हो सकता है आने वाले समय में एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल हो जाए पूरी दुनिया में कहीं से भी उसको ना लोन मिलेगा ना कोई मदद मिलेगी ऐसी स्थिति पाकिस्तान के अंदर आ सकती है ईरान बॉर्डर जो मिलते हैं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर मिलते हैं वहाँ के अगर हालातों की बात की जाए तो यहाँ आप देख रहे हैं ये ईरान के अंदर का एक पेट्रोल पंप है और यहां हम तमाम जरीगेंस लगी हुई देख रहे हैं कि इनके अंदर जो तेल भर के जो है सप्लाई किया जाता है पाकिस्तान के अंदर जो कि अवैध रूप से सप्लाई किया जाता है अब ऐसी स्थिति में जो बहुत सीमावर्ती इलाके हैं बलूचिस्तान वाले उन लोगों को कुछ हद तक कुछ लोगों को सस्ता तेल मिल सकता है क्योंकि कितनी भी आप स्मगलिंग कर लीजिए लेकिन एक बड़े स्तर पर आप नहीं कर सकते लेकिन फिर भी जो सस्ता तेल मिल जाता है लेकिन सस्ता तेल जब मिल जाता है तो इससे पाकिस्तान को समस्या क्या है तो पाकिस्तान की या किसी भी अन्य सरकार को मतलब इस बात से नहीं होता है कि हमारी जनता को सस्ता पेट्रोल मिल रहा है उन्हें मतलब इस बात से होता है कि सरकार को टैक्स मिल रहा है या नहीं इस तरह से जो स्मगलिंग होती है तेल की उससे पाकिस्तान की सरकार को किसी प्रकार का टैक्स नहीं मिलता है इसीलिए छापेमारी वगैरह पाकिस्तान की सरकार द्वारा की जाती है और इस तरह से जो बॉर्डर के ऊपर ट्रकों के ना सिर्फ कैंस के माध्यम से बल्कि ट्रकों के ट्रक के माध्यम से इनके अंदर जो है तेल पहुंचाया जाता है तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की सरकार सोच रही है कि क्यों ना सस्ते दामों पर तेल लेकर टैक्स लगाकर उस पर जनता को बेचा जाए और खुद मुनाफा कमाया जाए ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आगे क्या होता होता है ख़बरें जो है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से निकल कर आती रहती हैं कि पाकिस्तान सीजेज टैंकर्स विद ऑयल स्मगल्ड फ्रॉम ईरान दो जुलाई 2022 की ये खबर है कि स्मगलिंग ये चलती रहती है उनके बॉर्डर पर टैंकर्स के माध्यम से दिवालिया होने का खतरा जो है पाकिस्तान को है पूरी तरह से और पेमेंट वो कैसे करेगा तो सऊदी अरब और यू तो पाकिस्तान को अब तक उधार पर तेल देते आए हैं ईरान की इकोनॉमी भी खतरे में है ईरान की इकोनॉमी खुद खतरे में हो चुकी है क्योंकि अमेरिका के सेंशन के बाद उसका जो व्यापार है बहुत हद तक ठप हो चुका है ऐसे में वो पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरह राहत दे पाना ईरान के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के पास इस वक्त 6.7 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व है जिसको कि फॉरेक्स बोला जाता है इसमें भी सऊदी अरब का जो है वो इसमें से भी 6.7 में से भी लगभग 40 परसेंट का हिस्सा जो है वो सऊदी अरब के द्वारा इनको दिया हुआ है इससे तीन हफ्ते के ही इम्पोर्ट्स किए जा सकते हैं पुराने कर्ज की किस्तें भी नहीं भरी जा सकती हैं फाइनेंस मिनिस्टर इसहाकदार ने नवंबर में कहा था कि चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान को बहुत जल्द तेरह अरब डॉलर का नया कर्ज देंगे यह अब तक नहीं मिला है और दोनों देश चुप हैं कर्ज पर ही चलती है पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी दुनिया भर में जा जाकर ये भीख मांगते हैं और इनकी इकोनॉमी इसी प्रकार से चलती है दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने भी कर्ज की तीसरी किस्त रोक दी है ऐसे में अब जनवरी से मार्च के पहले क्वार्टर में विदेशी कर्ज चुकाने और इंपोर्ट के लिए फंड्स कहां से आएंगे इस पर बहुत बड़ा सवाल यह निशान पाकिस्तान के ऊपर लग चुका है ऐसे में पाकिस्तान सरकार ईरान से तेल खरीदी का जोखिम ले पाएगी या नहीं ये कुछ दिनों में पता लगेगा और आगे जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी आपके साथ साझा कर देंगे आई की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान उम्मीद है साथियों आज का ये सेशन आपको समझने में मददगार साबित होगा कि ईरान पाकिस्तान सऊदी अरब अमेरिका आदि के बंदों के बीच में क्या क्या चीजें चलती हैं उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अगर चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद